गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बॉक्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस में जो चैप्टर देखेंगे उसका नाम है यूनिट्स। इसको बोलते हैं हिंदी में मात्रा। जो चैप्टर हम लोग देखेंगे इसका नाम है यूनिट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर जो हम देखेंगे तो हर साल एग्जाम में दो क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारा आता है। हर साल एग्जाम में दो क्वेश्चन आता ही आता है चैप्टर से। चैप्टर का नाम है मात्रा। पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि मात्रा क्या होता क्या है। तो मात्रा हम लोग बेसिक चीज जानते हैं, समझते हैं। जैसे कहीं हम लोग कहीं जाना हो, वैसे हम लोग यहाँ से जा रहा है पटना, मान लो यहाँ से जा रहा है पटना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ से पटना 17 किलोमीटर दूर है। नहीं ना, बोलते हैं कि 50 किलो है, केजी में नहीं बोलते हैं। क्या होता है, एक मात्रक होता है सभी चीज का। जैसे हम लोग सब्जी लाने जाते हैं तो हम लोग क्या किस्म खरीदते हैं, किलो से खरीदते हैं या ग्राम से खरीदते हैं। वहाँ किलोमीटर से नहीं मांगते हैं सब्जी, सब्जी तो किलोमीटर से नहीं मांगते हैं, वहाँ ग्राम से मांगते हैं। इसी तरह मात्रक है जो पूरा विश्व भर में एक सभी चीज को मापने का है, पैमाना है। किसी चीज को क्या करता है, मापने का है, पैमाना है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, मापते हैं या उसके उसी चीज में मेजर करते हैं। ठीक है, पहले देखते हम मात्रक के मूल रूप तीन होते हैं। मूल कितनी कई होती है मात्रक के, तीन होते हैं। पहला था लंबाई, दूसरा आता है भार और तीसरा आता है समय की। जैसे लंबाई किस चीज में मेजर करते हैं हम लोग, जब हम लोग गांव में होते हैं तो किसको करते हैं, जैसे हम लोग जमीन लेना होता है तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर फीट में करते हैं, है ना, फीट में होता है, मील में होता है, लंबाई की तुलना में नहीं बोलते। जैसे हम लोग अपने गांव में रहते हैं, अगर हम लोग गांव में रहते हैं देखते हैं जो 80 साल 60 साल का बुजुर्ग है बोलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ से पाली बीच उलाट देना, उलाट देना है तो लोग बोलते हैं हम लोग के बुजुर्ग 2 माइल बोलता है या 2 कोस बोलता है। ठीक है, उसी तरह लंबाई किस मानते हैं, जैसे लंबाई का इकाई हम किसी को हो गया, मील हो गया, फुट हो गया, फीट माने जैसे होता है के फीट वहां से वहां तक नापता है घटा, के फीट यहाँ से चौड़ा है लंबाई है, क्या हुआ लंबाई का मात्रक हो गया, फीट हो गया, इंच हो गया, ये सब क्या है, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सब क्या है लंबाई की या दूरी की इकाई है। जो लंबाई है किसी चीज में आ गया, यहाँ से वहां तक का लंबाई दूरी में भी आ गया, इसी लंबाई है दूरी की इकाई है, ये सब है। ठीक है, उसी तरह भार की इकाई, भार मतलब वजन, इसमें वेट हो, ठीक है, वेट का इकाई होगा जो एलवी, एलवी मतलब पाउंड। जैसे हम लोग केक लाने यहाँ जाते हैं, केक केक किसमें मिलता है, पाउंड मिलता है ना, केक हो गया, टन हो गया, ठीक है, केजी किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, इसको इससे क्या करते हैं लोग भार को मापते हैं, भार क्या करते हैं मेजर करते हैं। उसी तरह समय की इकाई है, समय किस किस में मेजर करते हैं, जैसे बोलते हैं 1 साल बाद, वर्ष में करते हैं मेजर, घंटा में करेंगे, सेकेंड में करेंगे, है ना, उसके बाद मिनट में करते हैं। समय को हम लोग मापने का तरीका होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम आधा घंटा बाद आपके यहाँ आएंगे, तो क्या हम समय देंगे आधा घंटा बाद देंगे, है ना, क्या समय का क्या है सर, मात्रक हो गया सर, समय का क्या है इकाई का है या मात्रक है। ठीक है, अब मात्रक को जैसे मात्रक होता है, मात्रक और मुक्तक दो प्रकार में बांटा गया है, मात्रक को दो प्रकार में क्या किया गया है बांटा गया है। पहला है मूल मात्रक, मूल मात्रक में क्या क्या है, एफए सिस्टम है, सीधे सिस्टम है और एनके सिस्टम है। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, इसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स, इसको बोलते हैं लोग ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब पहला मात्रक चलता है, पहला मूल मात्रक क्या है, मूल मात्रक, मूल मात्रक को देखेंगे, पहला एफए सिस्टम एपीएस, एपीएस हो गया एफ मतलब हो गया ठीक, पी मतलब हो गया कॉम, एलवी से डिनोट करते हैं, इससे एलवी से डिनोट करते हैं कॉम को। ठीक है, तीसरा क्या है एस, समय, समय को समय करता है सेकेंड में, क्या हो गया फीट पॉम सेकेंड, दिया गया है सीसीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, क्या एमके सिस्टम एमके मीटर किलोमीटर सॉरी
मीटर केजी सेकंड। ये क्या बताया देखो, एयर सेल क्या है, फीट। फीट में किस में होता है, दूरी का मान लेते हैं। फीट किस में निकल के दूरी में, भार किस में निकल के कोण में, समय किस में निकल के समय में। इसका सीजीएस सिस्टम है सेंटीग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इस दूरी का मात्रक जो तीनों है जो लाइन में जो हम बोलते हैं ना, ये डॉट डॉट किए जाता एफ सी एल क्या है, कि किसको मेजर कर रहा है, दूरी को मेजर कर रहा है। उसी तरह भार में भी है ई जी के पाउंड ग्राम किलोग्राम, इसे किसको मेजर कर रहा है, भार को मेजर कर रहा है। ये जो एफ सी एफ जी एम किसको मेजर कर रहा है, दूरी को मेजर कर रहा है। इसी तरह समय, समय में तीनों सेकेंड में मेजर कर रहा है, किसको मेजर कर रहा है, सेकेंड में मेजर कर रहा है। ठीक है, ये तीस सिस्टम है। हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे, इसे सवाल इस तरह से आता है, सवाल इस तरह से आता है, जैसे पूछेगा आपसे सवाल मेरा पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए एफईएस सिस्टम में दूरी को किसमें मेजर करते हैं, एफईएस सिस्टम में दूरी को किसमें मेजर करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे दूरी पर, दूरी कितना हुआ, एफईएस सिस्टम में पूछते हैं दूरी किसमें मेजर करते हैं, यहाँ देखेंगे यार ए मतलब फीट, क्या गया यार फीट किसमें मेजर कर रहा हूँ, माई ऑप्शन रहेगा फीट रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा, किलोमीटर रहेगा। तो हम लोग वहां पर ऑप्शन किसमें मारेंगे, फीट में मारेंगे। ठीक है, उसी तरह अब आपसे पूछते हैं क्वेश्चन इस तरह आएगा, क्वेश्चन मेरा इस तरह आएगा कि बताइए कि एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में हम लोग वजन का या भार का किसमें मेजर करते हैं। तो आप लोग बता रहा होगा वहां पी, तो एफपीएस सिस्टम में पी होगा, भार किसमें मेजर करते हैं, पी मतलब पाउंड, पाउंड किससे जमा करते हैं, एलवी। तो वहां पर लोग पाउंड में या एलवी से साइन किया होगा, तो एलवी में वहां टिक करेंगे। ठीक है, उसी तरह आप लोग से पूछ देगा कि आप लोग बताइए कि सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है दूरी को किसमें मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम है दूरी को किसमें मेजर करेंगे। यहाँ देखिएगा सी, सी में क्या होता है सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या होता है सी सेंटीमीटर पर हम लोग वहां पर टिक लगा रहे हैं। उसी तरह आप लोग से पूछ देगा कि आप ही बताइए कि एमके सिस्टम है, एमके सिस्टम है भार को किसमें मेजर करेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे एमके सिस्टम में भार किसमें मेजर करेंगे, के माने के मतलब क्या होगा किलोग्राम, किलोग्राम में मेजर करेंगे भार को। ठीक है, भार भार किसमें मेजर किया है, किलोग्राम में एमके सिस्टम में हो गया। फिर इसी तरह आपसे पूछ देगा कि बताइए एमके सिस्टम में दूरी को किसमें मेजर करेंगे, एमके सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में दूरी को किसमें मेजर करेंगे, दूरी को किसमें मेजर करेंगे भाई, मीटर में करेंगे। यहाँ देखो एम मतलब मीटर, इसका फुल फॉर्म आपको लिख दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग मीटर हो गया, ये हो गया किलोग्राम, हो गया ये हो गया सेकेंड, के तो हो गया एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। इसका सीजीएस सिस्टम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफएस सिस्टम क्या होता है, हीट ऑन, और किसमें जमा करते हैं एलवी से। ठीक है, क्या सेकेंड, इस तरह से आप लोग क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आते हैं बी, बी पार्ट का क्या है, क्या है विलपन मात्रा, विलपन मात्रा किसको कहते हैं या ड्रैग यूनिट्स, इसको बोलते हैं लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रैग यूनिट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको विलपन मात्रा। वह मात्रा, विलपन मात्रा किसे कहते हैं पहले समझ लो, वह मात्रा जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बना हो, मिलकर बना हो, जो दो या दो से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलपन मात्रक बोलेंगे। जैसे मान लो क्षेत्रफल, जैसे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर की लंबाई क्या है, दूरी क्या है, लंबाई और चौड़ाई दूरी किसमें मेजर करते हैं, दूरी का मात्रक है जी, लंबाई को दूरी का मात्रक है, चौड़ाई क्या है दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लंबाई की दूरी क्या है, दूरी के बराबर ना लंबाई और चौड़ाई मूल मात्रक है लंबाई। ठीक है, दू को दो लंबाई और चौड़ाई दो मूल मात्रक मिल गया, क्या बना हम लोग का एक यूनिट्स बना। ठीक
ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रा। ठीक है, इस तरह आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में आप लोग को हम लोग किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए आप लोग को हम लोग सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।